गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मेकिंग द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर फ्रॉम फोर गिवन डिजिट। यानी कोई भी चार डिजिट मेरा दिया होगा उसे हम लोग क्या स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए सीखेंगे। तो फर्स्ट ग्रेटेस्ट नंबर हम लोग कैसे बनाएंगे, कोई भी अगर डिजिट में चार डिजिट दिया हुआ है अगर उसे हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा नंबर को, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ग्रेटेस्ट नंबर मिलेगा। और वही नंबर को अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्मॉलेस्ट नंबर। डिसेंडिंग मतलब ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी कि जैसे मेरे यहाँ फोर डिजिट नंबर दिया हुआ है 3175 दिया हुआ है तो इसे हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी कि सबसे बड़ा मेरा डिजिट कौन सा है, सेवन। सबसे पहले सेवन, फिर फाइव, फिर थ्री, फिर वन, ये मेरे क्या मिलेगा, ग्रेटेस्ट नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर भी जैसे 0906 है तो इसे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, नाइन है तो नाइन लिखेंगे। यहाँ सिक्स है उसके बाद सिक्स आता है तो सिक्स, उसके बाद मेरा ज़ीरो ज़ीरो, जो अगर डबल ज़ीरो है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई भी ना डिजिट अगर मेरा रिपीट कर रहा है तो हम लोग उसे वैसे ही लिख देंगे, कोई भी हम लोग आगे पीछे लिख सकते हैं। अब हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे, जैसे यहाँ डिजिट दिया है मेरा 4286, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन, यानी असेंडिंग ऑर्डर में, यानी स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर, तो सबसे स्मॉल कौन है मेरा, टू है तो टू सबसे पहले लिखेंगे, फिर मेरा फोर आता है फोर लिखेंगे, फिर ए सिक्स है तो सिक्स लिखेंगे, उसके बाद मेरा एट, ये मेरा स्मॉलेस्ट नंबर है। लेकिन अगर ज़ीरो रहा मेरा कोई भी नंबर में, जैसे यहाँ पे ज़ीरो है, ज़ीरो टू थ्री ज़ीरो, ये मेरा डिजिट दिया हुआ है, चार डिजिट दिया जिसमें ज़ीरो भी है, तो ज़ीरो को हम पहले नहीं लगाएंगे क्योंकि कोई भी नंबर, तो ज़ीरो को कोई भी डिजिट के पहले, कोई भी नंबर के पहले अगर हम ज़ीरो, जैसे टू ही है, टू के पहले अगर हम ज़ीरो लिखते हैं तो ये मेरे क्या होगा, सिर्फ टू ही होगा ना, इसका दो ही पड़ेगा ना, ये भी मेरा क्या होगा, वन ही डिजिट का होगा, दिख रहा है दो, बट जीरो मेरा क्या है, पहले लिखा हुआ है, जिसकी वजह से ये क्या पड़ेगा, टू ही पड़ेगा जो मेरा वन डिजिट है। हाँ, अगर कोई नंबर के बाद में रहता है तो मेरा ट्वेंटी यानी दो डिजिट है, लेकिन कोई नंबर के अगर पहले मेरा ज़ीरो है तो उसका मतलब वो एक ही डिजिट है। अगर जैसे ज़ीरो ज़ीरो वन रहा, वन के कितना भी ज़ीरो रह जाए, पहले दिखने में तीन डिजिट है लेकिन ये नंबर कितना है, वन ही, इसको हम लोग पढ़ेंगे। वैसे इसमें भी दो जीरो दिया हुआ है, अगर हम लोग इसको पहले लगा लेते हैं, ठीक है, ज़ीरो तो मेरा सबसे छोटा नंबर है, लेकिन अगर हम लोग इसको पहले लगा लेंगे, जैसे ज़ीरो ज़ीरो उसके बाद टू थ्री लगाते हैं, तो ये मेरा दो ही डिजिट का नंबर हुआ, इसका कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इसलिए फोर डिजिट का बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे ज़ीरो के बाद कौन है सबसे छोटा, टू है, तो पहले टू लिखेंगे उसके बाद ज़ीरो को हम लोग पुट करेंगे, फिर थ्री लिखेंगे। तो एक्सरसाइज में वही गिव डिजिट्स दिया हुआ है मेरा सारा, उसमें स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट निकालना है। ज़ीरो के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद कोई भी डिजिट के बाद ही लिखेंगे ज़ीरो, और ग्रेटेस्ट में भी लिखा, स्मॉलेस्ट में कोई भी डिजिट जो होगा छोटा उसके बाद ही लिखेंगे, पहले नहीं लिखेंगे। अब हमें पता है कि अब हम देखते हैं 9999 के बाद हम अगर उसमें वन ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ एक ही डिजिट है, एक ही नंबर हम लोग आगे बढ़ रहे, तो हमें मिलता है 10,000 मिलता है, जो मेरा कितना डिजिट हो गया, वन टू थ्री फोर फाइव, यानी कि क्या हो गया, फाइव डिजिट हो गया, यानी फोर डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर मेरा कौन हो गया, 9999। अगर हम उसमें वन ऐड करते हैं तो मुझे क्या मिलता है, फाइव डिजिट मिलता है। हम सिर्फ यहाँ पे एक ही नंबर बढ़ रहे तो हमें कितना नंबर मिला, फाइव डिजिट का नंबर मिल गया, यानी जो ये नंबर होगा वो मेरे क्या होगा, स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर होगा, यानी कि 10,000 इज द स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर। अब यहाँ पे कुछ फाइव डिजिट नंबर दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे 11,000 दिया हुआ है, 15,000 दिया हुआ है, 19,300 दिया हुआ है, वैसे ही कुछ नंबर्स थ्री डिजिट्स का नंबर दिया हुआ है। फिर ग्रेटेस्ट तो फिर देखते, ये तो जो स्मॉलेस्ट हो गया ना, स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर मेरा 10,000, अब ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर मेरा क्या होता है, 99,999 होगा मेरा, क्योंकि अगर इसमें हम लोग वन ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1,00,000 मिलेगा, तो 1,00,000 मेरा कितना डिजिट हो गया, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, सिक्स डिजिट हो गया मेरा, यानी सिक्स डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मेरा क्या हो जाएगा, 1,00,000 हो जाएगा। यानी देख रहे हैं कि हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट फोर डिजिट फाइव डिजिट में अगर हम लोग ऐड वन ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, नेक्स्ट डिजिट का फाइव स्मॉलेस्ट नंबर मिल रहा है। जैसे ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट में हम लोग ऐड किए तो हमें क्या मिला, ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट का नंबर मिला। वैसे यहाँ पे दिया हुआ है, नंबर्स दिया हुआ है, इसे बोल रहे हैं री राइट द नंबर्स विद कॉमर्स एंड देयर नंबर नेम्स, मतलब कुछ नंबर्स दिया हुआ है, फाइव डिजिट्स का नंबर दिया हुआ है, इसमें कॉमा लगाना है। कॉमा हम कैसे लगाते हैं, सबसे पहले थ्री डिजिट में लगाते हैं, फिर टू डिजिट के पहले लगाते हैं, फिर टू डिजिट, ऐसे ही हम लोग अरेंज करके कहते हैं, तो सबसे पहले थ्री डिजिट के पहले लगाएंगे। तो यहाँ पर जैसे 60,342 है, तो यहाँ पर तीन, एक दो तीन, यहाँ पर आ गया थ्री,
यानी कॉमा थ्री के पहले लगेगा, तभी उसको पढ़ेंगे क्या, 60,342। ऐसे ही हम लोगों को पूरा ये लिखना है कॉमा का यूज़ करके। यहाँ पे जैसे 96 है तो 96 में 1, 2, 3 3 या 3 3 जो के पहले कॉमा लगेगा यहाँ पे लिखेंगे, लिख के और फिर क्या लिखेंगे, जो पढ़ेंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000 यानी 96,000। थैंक यू।